सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको मंथन आसन बतलाने जा रहा हूँ। यह मंथन आसन बहुत उपयोगी है उनके लिए जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनको गैस की समस्या होती है, जिनको अल्सर है, जिनको भूख नहीं लगती है, जिनका भोजन पचता नहीं है, और जो रह रहे बीमार पड़ते रहते हैं, और जो मोटापे से ग्रस्त हैं, और जिन्हें लीवर में और गुर्दे में दिक्कत है, या जो नपुंसकता या बांझपन के शिकार हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। या जिन्हें कमर दर्द, घुटनों में दर्द, कंधे में दर्द रहता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। यह उन साधकों के लिए भी बहुत बढ़िया है जो कि नौली क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो आइए अब मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि शौच क्रिया से निवृत्त हो लेंगे, खाली पेट होकर के ही आपको करना है। सुबह शाम दोनों समय में कभी भी कर सकते हैं। खुले स्थान पर कंबल दरी बिछा करके करना है। इसे अब खड़ा होकर के किया जाता है। खड़ा हो जाएंगे, थोड़ा झुक जाएंगे और मुट्ठी को बंद कर लेंगे। मुट्ठी को बंद कर लिए और बंद करके आपको, आप दो तरीके से बंद कर सकते हैं, इस तरह से बंद कर सकते हैं, ऐसे ही बंद कर सकते हैं। और ठीक नाभि के इर्द गिर्द आपको इसे चलाना है, दबाते हुए नाभि के इर्द गिर्द आपको इसे दबाना है, मंथन करना है। इसीलिए इसका नाम मंथन आसन है। जैसे कि मंद्राचल पर्वत पर पर्वत को लेकर के समुद्र का मंथन किया जाता था, उस तरह से आपको इसका मंथन करना है। और जितने भी प्रकार के रोग हैं, व्याधि हैं, वो सब इससे दूर होते हैं। इसलिए बहुत ही उपकारी आसन है यह, और बहुत सरल भी है। और सांस को पहले आप छोड़ देंगे, ये ध्यान रहे, सांस को पूरा निकाल देंगे जितना निकाल सकते हैं, उसके बाद सांस को रोक देंगे। और सांस को रोक करके यानी कुंभक करके ही इसे करना है। जब तक आप रोके रहेंगे तब तक ही आप इसे घुमाएंगे, पुनः वापस आ जाएंगे और थोड़ी देर सुस्ता लेंगे, फिर सांस को छोड़ेंगे, फिर सांस को रोक देंगे, फिर ऐसा घुमाएंगे। ऐसा ऐसा आप 5 बार से 11 बार तक कम से कम करें। मैंने घड़ी की दिशा में हाथ को घुमा के मंथन किया। अब अगली बार क्या करूँगा कि घड़ी के विपरीत दिशा में यानी इस दिशा में घुमा करके करूँगा। पुनः जो है सांस को छोड़ना है, सांस को रोक देना है, और रोक करके ही अब उल्टा घुमाएंगे। मैंने आपको एक एक बार करके दिखाया, आपको 5-5 बार करना है कम से कम,
दोनों दिशाओं में, यानी घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में, और इसका लाभ लीजिए। बहुत ही अच्छा आसन है और इसे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है जो कि नौड़ी क्रिया नहीं कर पाते हैं, उड्डयन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है यह और सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका लाभ लें आप ऐसे करके, और यदि ज़्यादा पीड़ित हैं तो आप दोनों समय कर सकते हैं। तो आज इतना ही, ओम।